और अब खबरें विस्तार से, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। गौरतलब है कि नरेंद्र सिंह तोमर के भाई अनुज अजय सिंह कैंसर से पीड़ित थे। बीमारी के चलते शनिवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली थी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये बात कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कही। उन्होंने विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि उपचुनावों के बाद एक बार फिर कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनाने का कांग्रेस ने संकल्प ले लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी तीखा हमला कहा। विधायकों ने अपनी बात जो प्रदेश की वस्तु स्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई, अराजकता सर चढ़ के बोलने लगी, अधिकारी सरेआम रिश्वत लेने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, करप्शन के अलावा कोई दूसरी दुकान इस सरकार की नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर जिस तरीके के अलग अलग तरीके से प्रशासनिक दबाव बनाने की सरकार कोशिश करती है, उसका भी विधायकों ने जिक्र किया। कुल मिलाकर कोरोना के इस महामारी में सरकार के फेलियर के बाद विधायकों की ये मंशा हुई कि सरकार के खिलाफ ताकत से सड़क पे आना चाहिए, और मंत्रियों की भाषा अभद्रता, मुख्यमंत्री की झूठ बोलने की शैली और सरकार पूरे प्रदेश को गुमराह करने का एक कार्यशैली बनती जा रही है। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट टीम वर्क लगो, ये सरकार जाने वाली है। शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। जो मेन बिंदु ये था, विधायकों से सबसे पहले बुलवाया गया जो बोलना चाहता है। सभी ने एक बात रखी कि कोरोना संकट काल बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल है, और हमें ये लोग जब मीटिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, जो अराजकता बढ़ रही है या जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी, खुल की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ठीक है, कमलनाथ जी उपचुनाव में लगे हैं, सबकी ड्यूटी लगा दी, सब उपचुनाव में लगे, लेकिन सांसद बाकी मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गतिविधियां खराब हो रही है, जो आम जनता परेशान है, उसको लेकर हमें एक आंदोलन करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कई लोगों के ऊपर जो है बेचारे कहीं केस लगवाना चाह रही, कहीं कुछ करवाना चाह रही, तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र तो कर रही है, लेकिन जो हमारे लोग विधायकों ने मजबूती से बात रखी कि हम लोग मजबूत हैं, कांग्रेस में रचे बसे हैं, कांग्रेस की संस्कृति में आए थे, और हम लोग इसलिए जीते थे कि कांग्रेस की ओर कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास था। कुछ लोग नहीं आए हैं, क्या कारण था? नहीं, ये जरूरी मीटिंग नहीं थी, विधानसभा सत्र के लिए पहले रखी गई थी विधायक दल की, लेकिन जब विधानसभा सत्र स्थगित हो गए तो ये कह दिया गया है कि हम चुनाव के संबंध में और विधायकों से बात सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से हमें कैसी लड़ाई लड़नी।